नेपाल में शुक्रवार 3 नवंबर रात आए भूकंप की वजह से 128 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने बताया कि 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ी इलाकों में हुआ जहां कच्चे घर बने हैं। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई इलाकों से संपर्क टूट चुका है। भूकंप के झटके भारत की राजधानी दिल्ली तक महसूस किए गए। रात 11:32 पर आए भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। नेपाल के नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर का कहना है कि भूकंप का केंद्र जाजरकोट में था जो राजधानी काठमांडू से 250 मीटर उत्तर पूर्व में है। भूकंप की वजह से सबसे ज्यादा तबाही रुकुम जिले में हुई है जहां घर जमींदोज हो गए। जाजरकोट जिले में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसी में आपको बता दें कि नेपाल में आए भूकंप का असर नेपाल से सटे भारत के बिहार में देखने को मिला। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप के कारण बिहार के कई जिलों में तेज झटके महसूस हुए। हालांकि राज्य में किसी भी तरह की जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक भूकंप के झटके पटना, कटिहार, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सासाराम, नवादा और भारत नेपाल सीमा से लगे अन्य जिलों में महसूस हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान का दुख जताया है। उन्होंने कहा, नेपाल में भूकंप के कारण हुई जानहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। इसी के साथ ही नेपाल के जाजरकोट जिले में आए भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित जिले जाजरकोट और रुकुम और पश्चिम है। प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय के मुताबिक जाजरकोट भूकंप में 91 लोगों की मौत हो गई और 55 लोग घायल हो गए। रुकुम वेस्ट में 36 लोगों की मौत हो गई और 85 लोग घायल हो गए हैं। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।